अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हरी मूंग के ढपाटे, जिसके लिए हमने ये हरी मूंग का आटा हमने पिसा दिया था से। ये हरी मूंग का आटा है, तो ये हमने 200 ग्राम और 500 टोटल 250 ग्राम मूंग का आटा लिया है हमने, और 100 ग्राम बेसन लिया है, और 2 बड़े टेबलस्पून सादा फ्लावर, अपना सादा गेहूं का आटा लगेगा हमें, और 2 टेबलस्पून कोथमीर हरा धनिया, और 2 टेबलस्पून हरी प्याज की पत्ती, और थोड़ी प्याज की पत्ती और सामने का हिस्सा थोड़ा प्याज का वो लिया हमने, और 8 से 10 हरी मिर्चियाँ लगेंगी हमें। आप हरी मिर्ची आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और 2 टेबलस्पून लहसुन डाल रहे हैं, और 1 टेबलस्पून जीरे की बुकनी, आधा टीस्पून अजवाइन का पाउडर, हमने अजवाइन को इस तरह बारीक पीस के का पाउडर बना दिए, और 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, और 1 टीस्पून धनिया की बुकनी, और नमक और हल्दी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम। आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और 2 टेबलस्पून मीठा तेल हम गुनने में डालेंगे, और पानी भी हम गुनते वक्त पानी हम हिसाब से डालेंगे, जितना लगेगा उतना इसके हिसाब से गुनते वक्त डाल देंगे। और ये सब चीज़ें हम एक मिक्सर में जार में एक डाल के ऐसे अच्छा बारीक पीस लेंगे। ये कोथमीर लहसुन और प्याज जो लिया था हमने, इसको इस तरह से बारीक पीस दिया है। अब इसे हम ये आटा गुनने में डालेंगे। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम आटा डालेंगे, ये पूरा आटा इस सब एक साथ डाल देंगे इसमें, ये बेसन और ये फ्लावर, इसको इस तरह से बीच में ये सब एक के पीछे एक सब डाल देंगे इसमें, ये धनिया की बुकनी, कस्तूरी मेथी, अजवाइन का पाउडर और जीरा पाउडर, और ये हल्दी और नमक। नमक हम स्वाद टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और पानी भी हम जितना लग रहा आटा ऐसा हमें सादी चपाती की तरह से गुनना है तो उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे, और ये मीठा तेल जो रखा था हमने वो भी डाल देंगे, और ये पूरा इस तरह डाल देंगे। हम ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसमें गुन लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करके अब हाथों से इसे गुन लेंगे। हमने इसे अच्छे से गुन लिया है, इसमें हमने टोटल 2 टेबलस्पून पूरा तेल डाला है, और हमें मिर्ची पीसते वक्त भी हमने पानी डाला था, तो इसलिए हमें बस 1 पाउंड का भी पानी लगा है, तो आप इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो आपका आटा पतला हो जाएंगे। बस अब हमारा आटा तैयार है, इसे हम 4-5 मिनट उसे ऐसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद हम इसे उसके रोटियाँ। हमने ये इतने छोटे साइज़ का पेड़ा लिया है, आप चाहे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटे बना रहे, तो उसमें टोटल हमारे 15 से 16 बन जाएंगे पूरिया। इसे हम हल्का हल्का बेल लेंगे, और आप चाहे तो अगर इसे आप कहीं जा रहे हैं आप घूमने, अगर टिफ़िन में ले जाना चाह रहे हैं तो इसको फ्राई करके भी ले जा सकते हैं आप, ये ख़राब नहीं होते 2 दिन तक, तो इसे आप फ्राई करके भी ले जा सकते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं सफ़र। ये हमने छोटे से ही बेले हैं इसको, ये हमने इसको बेल लिया, इसमें बीच में थोड़ा सा
होल्ड करेंगे ताकि इसमें तेल अच्छे से जा सके। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे, फिर इसको हम इस तरह तवे पे डाल देंगे और बीच में इस तरह से तेल डाल के चारों तरफ से तेल डाल देंगे। ये सुबह में चाय के साथ भी बहुत अच्छी टेस्टी दिखती है, तो आप इसे तल के भी खा सकते हैं। पलटा दिया हमने, इसी तरह और दूसरी डालेंगे। ये इतनी साइज का हमने छोटा छोटे साइज का हमने पेड़ा लिया है। आप चाहे तो बड़ी भी डाल सकते हैं। इसे इस तरह से हल्का हल्का पेड़ा, इसी तरह से हम पूरे ढपाटे इसी तरह से डाल देंगे। एक तरफ से हमारी रोटी अच्छी से हो गई है और पलटा देंगे, दूसरे साइड से हम ये तेल लगाएंगे। अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे इसको। अब इसे हम इस तरह से एक टिश्यू पे इस तरह से निकालेंगे। चलिए लीजिए, ये हमारे ढपाटे तैयार हैं मूंग के, जो हम ग्रीन केचप के साथ खा रहे हैं। चाहे तो आप केचप के साथ भी खा सकते हैं या इसे पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं।